गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं ईबीएस की क्लास। हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्टडीज, तो टू बी सी ए और टू बी कॉम के स्टूडेंट आप ध्यान दें। हमने फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस मैंने आपको बताए थे, वाटर लैंड रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, डिफॉरेस्ट, लैंड, माइनिंग, इसके रिलेटेड मैंने आपको पूरा बताया हुआ था। आज मैं आगे उसके अब आपको जो बताने वाला हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड यूनिट से, इकोसिस्टम क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं। हम बीच के कई यूनिट के कई चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, जैसे हमने पोल्यूशन से रिलेटेड भी पढ़ा है, कुछ पार्ट हमने वाटर रिसोर्सेस और उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड पढ़ा हुआ है, इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड उनके कंजर्वेशन के लिए पढ़ा। जैसे ही हमको टॉपिक आगे मिलते जाएंगे आप सिलेबस में एक बार मैच करा दूंगा, बता दूंगा। और आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ ईबीएस की क्लास, आप लोग ध्यान दें पढ़े। आज जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इकोसिस्टम से कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग सुनिए इकोसिस्टम क्या होता है। और चूंकि हमारे लाइफ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम क्या है, आज आप देख रहे हैं हम आपको किस लिए पढ़ा रहे हैं, आप हमसे क्यों दूर हुई और ये सारी प्रॉब्लम किस लिए जनरेट हुई, कहीं ना कहीं हमारे ईबीएस से रिलेटेड मैटर है और आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और यदि ऐसी प्रॉब्लम से हमको बचना है, आगे आने वाली जो भी जनरेशन है उसको बचाना है, तो हमको कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बचा के रखना होगा और उनका जो कंजप्शन है कम से कम हमको करना होगा। नहीं तो आज तो हम इस प्रॉब्लम से चल रहे हैं, आने वाले समय में आने वाली जनरेशन के लिए ऐसे ही कई प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, जैसे वाटर की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। करंट समय में आप देख ही रहे हैं, एक समय हमको ऐसा लगता था कि हम कभी पानी नहीं खरीदेंगे, हमारे यहाँ पानी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको मैं कई बार बताया हमारे यहाँ पानी भी बिकने लगा, लोग बात खरीदते भी हैं। और आज कंडीशन ऑक्सीजन की भी आ गई, ऐसी कंडीशन आती जा रही है, कुछ दिन में यही चीज कंपलसरी हो जाएगी, पता चले हमको ऑक्सीजन लेकर ही चलना पड़े। तो यदि ऐसी प्रॉब्लम से हमको बचना है और आने वाली जनरेशन को बचाना है, तो हमको एनवायरमेंट को सही रखना होगा, उसके क्लाइमेट को बचाना होगा, साथ में कहीं ना कहीं उसकी अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस की भी जरूरत है और इसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझाना। तो आइए आप समझते हैं सबसे पहले इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट, इकोसिस्टम क्या है हमारा जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पर हम भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, सब लोग जो रहते हैं वो पूरा एरिया आपका क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। हमने बताया था कि एटमोस्फियर पाया जाता है, बायोस्फीयर यानी कि जो हम रहते हैं, किसमें रहते हैं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर तीनों का कलेक्शन होता है, आपको मालूम है ना, हमने पढ़ा था और उसको बताया भी था कि हमारे यहाँ जलमंडल भी है, थलमंडल भी है और वायुमंडल भी है, और एक बायोस्फीयर है जहां पे ये तीनों का क्या होगा, कलेक्शन होगा। इन तीनों यानी कि हमको जो जरूरत है, इन तीनों की जरूरत है, जलमंडल की भी, वायुमंडल की भी और हमको थलमंडल की भी, क्योंकि जल नहीं होगा तो भी हम नहीं जीवित रह सकते और वायु नहीं होगी जो विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं हमारे वायुमंडल में, वो नहीं होगी तो भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और स्थल मंडल तो हमको चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिकल एरिया है, एक एरिया है वेयर प्लांट एनिमल, जिसमें क्या रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, एंड अदर ऑर्गेनाइजम्स और दूसरे ऑर्गेनाइजम्स भी रहते हैं, एज वेल एज वेदर एंड द लैंडस्केप वर्क टूगेदर टू फॉर्म ए बबल ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत सभी लोग मिलकर के, यानी कि मौसम भी, सभी लोग एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं एक बबल की, वो एरिया आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। मैं आप दोनों के लिए देखिए तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं,
कुछ जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो भी, और हिंदी मीडियम के लिए भी मैं इसमें लिख के रखा है, इसका ट्रांसलेट करके रखा है, और इसलिए आप पढ़ सकते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव, साथ ही साथ मौसम भी, यानी कि हमारा जो मौसम है वो भी परिदृश्य जीवन का एक बुलबुला बनने के लिए मिलकर कार्य करते हैं या काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर चारों ओर हमारे फैले हुए पेड़ पौधे, जानवर और हम, इतना ही नहीं इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशनशिप क्या है वो भी जरूरी है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मान लीजिए हमारे पास यदि आज पेड़ है तो सीधी सी बात है कोई पेड़ आपके पास लगा हुआ है तो वो आपसे कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है और हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंटरकनेक्टेड भी हैं बाय डेफिनेशन। एंड इकोसिस्टम इज रिफर्ड टू कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम, यानी कि यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जीवित जीवों के एक साथ समुदाय को परिभाषित जो करता है वो आपका इकोसिस्टम है। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा स्टूडेंट, साथ में लिखना चाहें तो ये हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बाय डिफाइनिंग ए इकोसिस्टम। यदि आप उसको डिफाइन करना चाहें दूसरे वर्डों में तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट रिफर टू कम्युनिटी, समुदाय ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग कंपोनेंट। बहुत यहाँ पे मेजर पॉइंट आप ध्यान दें, यानी कि कम्युनिटी समुदाय जो है, जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं, मैंने पढ़ाया था लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि हम कौन हैं, लिविंग है, और नॉन लिविंग जैसे पेड़, आपके नॉन लिविंग जैसे एयर है ना, और इस प्रकार से जो नॉन लिविंग है रैग यानी कि पत्थर चट्टाने, क्या इनसे हमारा कोई कनेक्शन है या नहीं है, आप समझ सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनाइजम्स इंटरेक्ट, यानी कि हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोलॉजी, जैसे जीवित, ये जो जीवित जीव के एक समुदाय को संदर्भित करता है, जो बताता है, जो एक दूसरे के साथ निर्जीव घटों के साथ बातचीत करते हैं, जो निर्जीव है उनसे हम मिलकर कार्य करते हैं, वो कैसे। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इकोलॉजी विद डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनाइजम इंटरेक्ट विद अदर एंड सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरमेंट। इको सिस्टम के कई ऐसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हैं जो किस पे डिपेंड रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरमेंट को, जो हमारे तरफ है, चारों तरफ फैला हुआ है, उससे क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो जीवित व्यक्ति हैं और जो हमारे तरफ चारों ओर फैला हुआ एनवायरमेंट है, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहयोग पहुंचाते हैं, वही आपका इकोसिस्टम है। हमें जीवित रहने के लिए नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की जरूरत होगी और उनको जीवित रहने के लिए भी कहीं लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की भी जरूरत है। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम डिसाइड किया गया है और इसका एक साइकिल प्रोवाइड किया गया है, उस साइकिल के आधार पे पूरा इकोसिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम, क्या होता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज ए कॉमन टर्म एंड इज वाइडली यूज इन बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी। इको सिस्टम जो है, मैं आपको बता दूं क्या है, एक कॉमन टर्म है जिसका यूज समान शब्द के रूप में किया जाता है और इसका यूज बायोलॉजी, जीव विज्ञान और पर्यावरण में सबसे ज्यादा किया जाता है। इन जनरल इज नॉन द सिस्टम और कम्युनिटी दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स एंड देयर रिलेटेड
नॉन लिविंग कंपोनेंट इन नेचर। यदि मैं सरल शब्दों में कहूं कि जो इकोसिस्टम है हमारा वो क्या है, एक समुदाय के रूप में जाना जाता है जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं, और हमारे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के अलावा नॉन लिविंग निर्जीव कंपोनेंट हैं जो नेचर है, उनके बीच में एक तरह से इंटरकनेक्शन करना, इंटर रिलेटेड होना, उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। अल्फा सेज कंपोनेंट और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद ईच अदर क्रिएटेड इकोलॉजिकल बैलेंस। ऐसे सभी इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। हम यानी कि जो मैंने पहले बताया आपको, जो लिविंग कंपोनेंट है वो किसी ना किसी, चाहे वो डायरेक्ट भी जुड़े हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट नॉन लिविंग पे, और नॉन लिविंग भी कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। यदि स्ट्रक्चर की बात करें हम एक इकोसिस्टम को, देखिए इकोसिस्टम स्ट्रक्चर मेनली रिफर टू द डिस्क्राइब दो चीजों से बना है, विद बायोटिक और एबायोटिक। स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, इट देयर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट होता है। अब ये कैसे बायोटिक एबायोटिक, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा स्टूडेंट। देखिए ये प्रोड्यूसर है एनर्जी मेन, इसको कहां से मिल रही है, देखिए मेन तो जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है मेन एनर्जी, इसको पेड़ को एनर्जी कहां से मिलती है, सूर्य से। तो मेन एनर्जी का यदि रिसोर्सेस देखा जाए तो सूर्य हुआ, और ये जो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, निर्माण करने वाला, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी इसको कहा जाता है यानी कि प्रोड्यूसर कहा जाता है। इसलिए ये भोजन बनाने के लिए या भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, तो इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, ये प्रोड्यूसर हुआ जितने भी प्लांट। ओके, तो ये प्रोड्यूसर हुए, इसको सोलर एनर्जी की आवश्यकता, सोलर एनर्जी इसको ऑटोमेटिक मिलती है, स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके ये भोजन को तैयार। प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं कंज्यूमर, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कौन होता है स्टूडेंट, कंज्यूमर। अब ध्यान रखना, कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं कौन, कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे कौन है, देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास को खाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। मीट ईटिंग भी हो सकते हैं कंज्यूमर, बेसिकली तीन कैटेगरी के होते हैं, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा फ्रूट चेन तब बताऊंगा। कंज्यूमर में जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टेरिटरी मतलब तीसरा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो डायरेक्ट, जो शाकाहारी होते हैं, एक्चुअल में कहूं शाकाहारी यानी कि प्लांट शाकाहारी हुआ, जो प्लांट को खा जाता है वो प्राइमरी हुआ, और जो उसको खा जाएगा वो सेकेंडरी हुआ, और जो सर्वाहारी जो उन सबको खा जाए वो क्या हो रहा है। तीन कैटेगरी डिवाइड की गई है कंज्यूमर के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी और टेस्ट। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट, जो प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर वो भी डिपेंड होता है कहीं ना कहीं, कंज्यूमर डिपेंड होता है दूसरे पे, वो किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट पे। और सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर पे। और जो तीसरा हमारा कंज्यूमर होगा वो किस पे डिपेंड होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, ये एक साइकिल, प्रोड्यूसर हुआ और ये हमारे दोनों क्या हुए, कंज्यूमर। मैं यहां कह सकता हूं ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। आप देखिए और समझिएगा, इसके बाद ये तो आपको डिकम्पोज किया, इनको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं जो कीड़े होते हैं डिकम्पोजर हमारे वो, और ये इधर से जो हमारे व्हीकल्स हैं या जो और भी लोग हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको भी कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक साइकिल देखिए, ये हमको ऑक्सीजन भी दे रहा है,
भोजन भी दे रहा है, एक प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या दूसरे किसी माध्यम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, उसको भी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंस है एक प्लांट का हमारे लिए होना, ये तो बहुत से लोगों ने अभी ही समझ लिया है, और यदि नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम आने वाली है, ये आप जानते ही हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस सब्जेक्ट को जोड़ने का मेन उद्देश्य है अवेयरनेस को पैदा करना, पब्लिक को जागरूक करना कि तुम्हारे लिए नेचुरल रिसोर्सेस कितना जरूरी है, उनको बताना और उनको बचा कर रखना। यदि हम उनको बचा कर रखेंगे तो हम इस जीव मंडल में रह सकते हैं, बायोस्फीयर में रह सकते हैं, अदरवाइज ये बायोस्फीयर रहने लायक नहीं बचेगा। ओके, तो ये आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर आप बता सकते हैं एक दूसरे से कैसे डिपेंड है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके लिखा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही वो इंग्लिश में पढ़ लें, दोनों तरीके से मैंने बनाने की कोशिश किया है। आपसे हम पढ़े क्लास लेंगे और आप लोग वीडियो देखें। आज फर्स्ट डे मैं स्टार्ट किया हूँ, क्लास आपकी काफी दिनों से क्लोज थी और पीडीएफ की, अब एक एक करके हम इसको पढ़ते जाएंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया, कल अब हम सीखेंगे इसके बायोटिक लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। आज हमने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर के इको सिस्टम को बनाए रखते हैं और हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए इको सिस्टम को सही बैलेंस में बनाकर रखना बहुत जरूरी है। यदि हमारा इकोसिस्टम बैलेंसिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में नहीं होगा तो हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स या इंसिडेंट जनरेट होंगी। तो अब पढ़िएगा, कल बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से। आज की क्लास में क्लोज कर रहा हूँ।